हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मज़े होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं ए बी टेक व्लॉग। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों के लिए कमाल की वॉच लेकर आए हो, जहां पर आपको ढेर सारे भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं और ये एक फुल एंड्रॉयड वॉच होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कैमराज मिलने वाले हैं, बिल्ट इन स्टोरेज, GPS और इसमें आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट भी मिलने वाला है। और इसका नाम है कार्लसन रोलैंड क्वार्क्स 2 स्मार्ट वॉच, जहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं और ये फुल एंड्रॉयड वॉच होने वाली है, वो भी काफ़ी कम बजट में। तो क्या है इसका प्राइस, क्या है इसकी पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको बॉक्स मिल जाता है, कार्लसन रोलैंड की ब्रांडिंग है और इस तरह से स्लाइड करके ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वॉच रखी हुई मिल जाती है जो कि काफ़ी हैवी लग रही है, तो उसको निकालते हैं और फिलहाल रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है और एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। तो यही कुल कंटेंट मिलते हैं बॉक्स में। अब आते हैं वॉच की तरफ। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको राइट साइड में बटन मिल जाती है, उसके नीचे फ्लैश लाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाता है। उसके बाद फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिल जाता है और नीचे साइड में आपको एक टच बटन मिल जाती है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है और बैक साइड में यहाँ पर आपको सिम लगाने के लिए सिम स्लॉट मिल जाता है। उसके ऊपर यहाँ पर आपको दो सेंसर मिल जाते हैं, एक हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है और एक टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। और स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर आपको इस साइड में स्पीकर वेंट मिल जाता है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। बाकी इसको पेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वॉच है और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बिना फ़ोन के इसको यूज़ कर सकते हैं और ये एक आत्मनिर्भर वॉच है। सबसे पहले इस वॉच की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिलने वाली है जो कि ठीक ठाक है और बिल्ड क्वालिटी इस वॉच की काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। इसमें आपको मेटालिक बिल्ड मिल जाती है और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, बट यहाँ पर कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो डिज़ाइन काफ़ी तगड़ी इसकी है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और इसी वजह से इसका जो वेट है वो है 86 ग्राम्स, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और काफ़ी बड़ी वॉच है। तो जिनकी रिस्ट पतली है उनके ऊपर तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जिनकी मीडियम साइज़ की रिस्ट है उनके लिए ठीक ठाक है, बाकी जिनकी बड़ी रिस्ट है, चौड़ी रिस्ट है, उनके लिए ये सूटेबल है। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। बाकी थिकनेस की बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी मोटी वॉच है और जाहिर सी बात है ये एंड्रॉइड वॉच है तो यहाँ पर आपको जो थिकनेस है वो इतनी ही मिलने वाली है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स लगे हुए मिलते हैं जैसे कि प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगी हुई है, इसलिए इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.54 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक HD डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको जो क्वालिटी मिलती है डिसेंट मिल जाती है। बाकी ब्राइटनेस की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको स्क्वायर डिस्प्ले मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको बेजल काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, बट उसका भी रीज़न है यहाँ पर आपको ऊपर साइड में कैमरा मिल जाता है, उसके लिए जगह छोड़ी गई है और नीचे साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक टच बटन मिल जाती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको बेजल भी देखने को मिल जाते हैं इसके डिस्प्ले में। और रही बात वॉच फेस की तो यहाँ पर आपको 12 वॉच फेसेस मिल जाते हैं वॉच में। बाकी ये एंड्रॉइड वॉच है तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है। वॉच के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 GB की रैम और 16 GB का स्टोरेज मिल जाता है और ये एंड्रॉइड वॉच है तो ये एंड्रॉइड 9 पे रन कर रही है। बाकी अपडेट की बात करें तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि अपडेट आएगा या नहीं। बाकी इसमें आपको दो कैमराज मिल जाते हैं, साइड कैमरे की बात करें या फिर फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें यहाँ पर आपको 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा मिल जाते हैं और दोनों की क्वालिटी डिसेंट है, उतनी खास नहीं है। बाकी दोनों कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको ब्लूटूथ और वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वाईफाई से कनेक्ट करके आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं इसमें। फीचर्स की बात करें तो चलते हैं इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ़ोन का फीचर मिल जाता है और यहाँ से फ़ोन वगैरह लगा सकते हैं और ये एक 4G एंड्रॉइड वॉच है तो इसमें आपको सिम का सपोर्ट भी मिलने वाला है और इसमें आप जियो, एयरटेल और वोडाफोन के सिम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स का फीचर मिल जाता है और अगर आप जीमेल वगैरह लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपके सारे कॉन्टैक्ट शो हो जाएंगे जैसे आपके फ़ोन में हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाती है और यहाँ पर आपको क्लॉक का फीचर मिल जाता है जहाँ से आप अलार्म वगैरह भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको टाइमर भी मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरे का फीचर मिल जाता है और इसमें आपको दो कैमरे मिलते हैं, एक फ्रंट फेसिंग कैमरा है और यहाँ पर एक साइड में कैमरा दिया गया है। बाकी दोनों की क्वालिटी डिसेंट है और यहाँ पर मैं आप लोगों को फोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वालिटी डिसेंट मिल जाती है और दोनों आपको 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं। बाकी साइड कैमरे की बात करें तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है जो कि स्मार्ट वॉच के हिसाब से ठीक ठाक है, उतनी कुछ खास नहीं है। बाकी दोनों कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वीडियो मोड भी मिल जाता है। उसके बाद मैसेजिंग, हार्ट रेट, पेडोमीटर और इसमें आपको गैलरी का फीचर भी मिल जाता है, तो गैलरी में फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं जैसे आप अपने स्मार्टफोन में देखते हैं, तो इसमें आपको फुल गैलरी का सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है और इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है तो फेस लॉक लगा सकते हैं इसमें। बाकी पैटर्न और पिन लगाकर भी वॉच को लॉक कर सकते हैं।
उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया है और आप इस वॉच में इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है इसको। उसके बाद कैलकुलेटर मिल जाता है और इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी सही है तो आप आराम से गुलागढ़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूज़िक, फाइल एक्सपो, ब्राउज़र और यहाँ पर आप लोगों की फेवरेट चीज़ प्ले स्टोर का सपोर्ट इसमें मिल जाता है, जहाँ सब किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको वेयर हाउस की तरह प्ले स्टोर नहीं मिलता है, जहाँ पर लिमिटेड ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसमें आप पबजी भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो अलग बात है कि पबजी आप इसमें खेल नहीं सकते हैं क्योंकि स्क्रीन काफ़ी छोटी है, बट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको QR कोड, सर्च और इसमें आपको कैलेंडर मिल जाता है और यहाँ पर आपको साउंड रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाता है। बाकी इसकी भी क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं ABTech व्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर मैंने Spotify को डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन म्यूज़िक का भी मज़ा ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है और प्ले स्टोर भी मिल जाता है, तो Spotify को भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं और आराम से ये चलता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सबवे सर्फर्स गेम को डाउनलोड किया है, तो उसको भी प्ले करके देखते हैं। बाकी इसमें आप हल्के फुल्के गेम खेल सकते हैं, बहुत हैवी गेम नहीं खेल सकते हैं, जैसे पबजी हो गया, COD हो गया, तो उसको खेलने के लिए डिस्प्ले भी छोटा है और उसको खेलना पॉसिबल नहीं है इस वॉच में। तो देख सकते हैं गेम काफ़ी परफेक्टली चल रहा है और लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टेम्परेचर का फीचर मिल जाता है, उसके बाद टॉर्च को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको WeChat और इसमें मैंने WhatsApp को डाउनलोड किया है और YouTube भी डाउनलोड किया है और दोनों का आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी WhatsApp पर आप वीडियो कॉल को भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको फ्रंट कैमरे का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने YouTube को डाउनलोड किया हुआ है, तो इसमें एक वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी मैं अपनी ही वीडियो प्ले करने वाला हूँ ताकि कोई भी इशू ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर YouTube भी काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है और कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला, तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। बाकी देखा जाए तो इसमें आपको अनलिमिटेड फीचर्स मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलने वाला है, तो जो मर्ज़ी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं इस वॉच में। हालांकि ये एंड्रॉइड वॉच है बट यहाँ पर आपको हेल्थ फीचर्स भी मिल जाते हैं और इसमें आपको हार्ट रेट, स्किन टेम्परेचर और पेडोमीटर का फीचर दिया गया है। इसमें आपको रियल हार्ट रेट सेंसर भी मिल जाता है और रियल टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। हार्ट रेट की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है, मैंने इसको ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर किया तो रीडिंग बिल्कुल मैच करी थी, तो हार्ट रेट यहाँ पर आपको काफ़ी एक्यूरेट मिल जाता है। रही बात टेम्परेचर सेंसर की, तो वो भी काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करता है और उसका भी रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट आया। बाकी पेडोमीटर की बात करें तो उसको भी मैंने टेस्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 166 स्टेप शो हो रहा है और उसके बाद मैंने 100 स्टेप्स लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं 267 हो गया, तो रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट आई। इसका UI भी आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है और इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला UI मिलता है जो कि काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, लैग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है वॉच। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी, डेट और डे शो हो जाता है। उसके बाद करेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक टॉगल बार मिल जाता है, जहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ, डू नॉट डिस्टर्ब। उसके बाद यहाँ पर आपको टॉर्च मिल जाती है और देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी टॉर्च यहाँ पर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एरोप्लेन मोड मिल जाता है और यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा कि स्मार्टफोन में करते हैं। उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं और यहाँ से आप ये सब एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे जहाँ पर आपको ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आप टच करके होल्ड करेंगे तो आप टास्क मैनेजर को ओपन कर लेंगे, जहाँ से रिसेंट ऐप को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लीन भी कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरह का UI मिल जाता है जो कि काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। लास्ट में आते हैं बैटरी बैकअप पे, तो इसमें 900 mAh की काफ़ी मैसिव बैटरी मिल जाती है। बट ये एंड्रॉइड वॉच है तो इसका बैटरी कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें आपको 5 से 6 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल यूसेज करेंगे तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाता है एंड्रॉइड वॉच के हिसाब से, क्योंकि एंड्रॉइड वॉच में आपको इतना ही बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। वर्डिक्ट की बात करें तो वॉच काफ़ी सही है अपने प्राइस के हिसाब से, और मैंने आप लोगों को प्राइस नहीं बताया तो इसका प्राइस होने वाला है 8,000 रुपये, और ये 8,000 में इकलौती एंड्रॉइड वॉच होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर एंड्रॉइड वॉच आप लोगों को 10,000, 12,000 या फिर उससे भी महंगी देखने को मिलती है। बट ये काफ़ी कम बजट में आपको एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देने वाली है, तो जिनको लेना है ले सकते हैं। बाकी ये अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है और अभी थोड़े बहुत जो बग्स हैं उसको फिक्स किया जा रहा है, तो ये 2-3 महीने में आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी अमेज़न पर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। और ये एक लिमिटेड एडिशन वॉच है, तो यहाँ पर जो स्टॉक आने वाला है वो भी काफ़ी लिमिटेड आने वाला है, तो ज़रूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी आने में इसको थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर सकते हैं। बाकी जैसे ही अवेलेबल होती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को चेक करते रहना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।